तो दोस्तों हुआ ये कि मोदी जी ने डुबकी तो लगाई थी लक्षद्वीप में और डूब गया है मालदीव, इसीलिए तो हम कहते हैं वाह मोदी जी वाह वाह। मालदीव के तीन छपरी नेता तो भारत और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर निपट गए, निकल गए, मगर उसके बाद जो रायता फैला है उसे समेटने में मालदीव सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। 5 लाख मालदीव की आबादी है और 10 लाख हिंदुस्तानी अब तक #boycottmaldives बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करवा चुके हैं। जिस दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक रिपोर्ट है, कंफर्म तो नहीं करता हूँ, लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक 8,000 लोग मालदीव के लिए अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं और 2,500 फ्लाइट टिकट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं। इस बीच जो लोग ऋषिकेश भी यूपी रोडवेज की बस पर लटक कर जाते थे, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाकर फेसबुक पर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने भी अपना मालदीव का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। अब आए ना लाइन पे। कुल मिलाकर आलम ये है कि सचिन तेंदुलकर से लेकर सलमान खान तक, अक्षय कुमार से लेकर श्रद्धा कपूर तक, हार्दिक पांड्या से लेकर जॉन अब्राहम तक, क्रिकेट और बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने खुलकर लक्षद्वीप के सपोर्ट में वो लोग आए हैं। ताज ग्रुप जल्द ही वहां पर 2 वर्ल्ड क्लास होटल बनाने वाला है। लक्षद्वीप के एयरपोर्ट का भी जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। मगर सवाल ये है कि मालदीव और भारत के बीच ये कलेश आखिर मचा ही क्यों? आखिर क्यों एशिया का सबसे छोटा देश भारत के खिलाफ उड़ता तीर ले रहा है? क्या मोदी जी का लक्षद्वीप जाना सिर्फ इत्तेफाक था? और सबसे बड़ी बात, हमने क्यों अपने थंबनेल में लिखा है कि एहसान फरामोश मालदीव? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पर बात करें। मगर उससे पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हम क्या, शायद मालदीव के लोग भी न जानते हो। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे दबा के अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते एंड वेलकम। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको यह समझाएं कि हम मालदीव को एहसान फरामोश क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे देते हैं। हुआ ये कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने। मोइजू की पीपल नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोध सेंटीमेंट पर लड़ा था। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से बड़े अच्छे रहे। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साली भी भारत के सपोर्टर थे, मगर मोइजू की पीपल नेशनल कांग्रेस पिछले काफ़ी टाइम से मालदीव में भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी। मोइजू ने अपने इलेक्शन कैंपेन तक में ये बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। आज तक मालदीव का हर नया राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा भारत का ही करता था, मगर मोइजू पहले टर्की गए, फिर एक दिन पहले ही वो चीन के दौरे पर गए। कुछ लोगों का कहना है कि मोइजू या मालदीव की इस नई सरकार के भारत विरोधी रवैये के पीछे चाइना का हाथ है। जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ डॉलर का कर्जा दिया है। चीन ने 20 करोड़ डॉलर लगाकर मालदीव की राजधानी माले से मालदीव के दूसरे आइलैंड हुले माले तक 2 किलोमीटर लंबा एक पुल भी बनाया था। जैसा कि सभी जानते हैं, चीन की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा यह भी है कि हर छोटे देश को पहले कर्जा देकर अपने जाल में फंसाओ, और जब उस देश को यह लगे कि वो कर्जा नहीं चुका सकता तो फिर अपनी मर्जी से उस देश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करवा दो। पिछले काफी समय से चीन हिंद महासागर वाले एरिया में दखलअंदाजी करने की भी कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश है कि श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर इस इलाके में भारत का दबदबा कम किया जाए। मालदीव में भी कुछ विपक्षी पार्टियों को जब यह समझ में आ गया कि वो चीन से लिया अरबों डॉलर का कर्जा नहीं चुका सकते तो वो इस तरह से भारत विरोध की पॉलिसी पर चलना ही उनकी मजबूरी हो गई। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोइजू और इन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता अब्दुल्ला यामीन, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित होने पर 11 साल की सजा मिली थी, वो भी भारत के खिलाफ इसी तरह का जहर उगलते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू का भारतीय फौज को मालदीव से जाने के लिए कहना, फिर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत न आकर चाइना चले जाना, उनकी सरकार के 3-3 मंत्रियों का खुलेआम ट्विटर पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली देना, उनकी इसी जहरीली सोच का नतीजा है। मगर जैसा कि कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इन 3 मंत्रियों ने भी चौड़े होकर जोश जोश में भारत और मोदी जी के खिलाफ बोल तो दिया, मगर मालदीव की सरकार को 10 मिनट में समझ में आ गया कि ये तो हमने उड़ता तीर ले लिया है। अरे भैया, कर्जा भले ही तुमने चीन से लिया है, मगर मालदीव का टूरिज्म चल तो भारतीयों के भरोसे रहा है। अकेले साल 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए। हर साल मालदीव आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी भारतीय ही होते हैं। यहां तक कि मालदीव देश भी भारत से गए डॉक्टरों और टीचर्स के भरोसे चल रहा है। वहां पर भारत की मदद से करोड़ों डॉलर की योजनाएं चल रही है। भारत सरकार ने 2 साल पहले मालदीव के 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए। कोविड के टाइम पर जब टूरिज्म बंद हो गया तो मालदीव के बुरे हालात थे,
तब भारत ने 25 करोड़ डॉलर की उनको मदद की थी। और तो छोड़ो, अभी 5 जनवरी को ही वहां के एक प्लांट में आग लगने से पूरे देश में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया था और अगले ही दिन भारत सरकार ने वहां पानी पहुंचाया। मतलब आप सिर्फ इस घटना से मालदीव की हैसियत का अंदाजा लगाइए। मतलब जो देश पीने के पानी तक के लिए भारत पर इस हद तक निर्भर है, वहां के कुछ छपरी मंत्री सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इससे ज्यादा कम अकली कुछ और हो सकती है क्या, बताइए। हेलो, अब आते हैं एहसान फरामोशी वाली बात। ये मोइजू और उनके छपरी मंत्री जो आज भारत को गाली दे रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि अगर भारत ना होता तो मालदीव में लोकतंत्र ही ना होता और ना ही वहां के नेता बचते। ये भारत ही था जिसने मालदीव देश को एक नहीं कई बार बचाया। तो भाई कहानी यह है कि दक्षिण एशिया के कई देशों की तरह मालदीव पर भी कई सालों तक अंग्रेजों का राज था। साल 1965 में जाकर मालदीव अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। साल 1978 में चुनावों के बाद अब्दुल गयूम इब्राहिम नासिर को हटाकर वहां के दूसरे राष्ट्रपति बने और फिर अगले 30 सालों तक वो मालदीव के राष्ट्रपति बने रहे। अब कहानी सुनिए, हुआ ये कि 78 में अब्दुल गयूम के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 10 सालों तक उनके तख्ता पलट की 3 बार कोशिशें की गई। पहले 1980 में, फिर 1983 में और फिर तीसरी और सबसे दमदार कोशिश हुई 1988 में। तारीख थी 3 नवंबर 1988। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम भारत आने वाले थे। उस वक्त भारत और मालदीव के रिश्ते बड़े अच्छे थे, इतने अच्छे कि अब्दुल गयूम को मालदीव से भारत लाने के लिए भारत सरकार ने अपना विशेष विमान मालदीव भेजा था। मालदीव के एक बिजनेसमैन थे अब्दुल्ला लतीफी, ये उस वक्त मालदीव में तख्ता पलट करके गयूम को उनके पद से हटाना चाहते थे। इन्हें पता था कि इस काम के लिए उन्हें कुछ बंदे चाहिए होंगे, तो उन्होंने उस वक्त श्रीलंका के आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम की मदद से उनके 200 मिलिटेंट मालदीव में घुसा दिए। ये लोग बस इस इंतजार में बैठे थे कि इधर गयूम भारत जाएं और वो लोग पीछे से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर। तो हुआ ये कि जिस दिन गयूम को भारत जाना था तभी भारत सरकार ने संदेश भिजवाया कि आज हमारे प्रधानमंत्री को किसी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, आप कल आ जाइए। जिसके बाद गयूम वापस राष्ट्रपति भवन आ गए, मगर अब्दुल्ला लतीफी के आतंकियों ने कब्जा करने का अपना प्लान नहीं बदला और मालदीव के रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, वहां की सरकारी बिल्डिंगों और एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति को अपनी जान बचाकर एक सेफ हाउस में छिपना पड़ा। ये वो वक्त था जब मालदीव की सरकार ने श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर से मदद मांगी, मगर सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका मदद कर सकता था मगर अमेरिकी समुद्री जहाज मालदीव से बहुत दूर था। उस वक्त जब मालदीव ने ब्रिटेन से मदद मांगी तो ब्रिटेन ने कहा कि आप भारत से बात करें। मतलब ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ने मालदीव की मदद करने से पीछे हट गई, पूरी दुनिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उस वक्त मालदीव की सरकार ने भारत से मदद मांगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव से मदद मांगने के सिर्फ 10 घंटे के अंदर भारत के पैरा कमांडोज मालदीव पहुंच चुके थे। भारतीय फौज ने पता लगाया कि मालदीव के एक आइलैंड पर अभी कोई नहीं है, तो चंद ही घंटों में भारतीय वायुसेना ने अपने पैरा कमांडोज को वहां पर लैंड करवाया। उसके बाद इन लोगों ने माले पर धावा बोला। भारतीय कमांडोज के वहां पहुंचते ही सारे आतंकी पहली फुर्सत में वहां से भागने लगे। कईयों को पकड़ लिया गया, कुछ ने सरेंडर कर दिया, कुछ का एनकाउंटर करना पड़ा। इसके बाद अब्दुल गयूम को सेफ हाउस से बाहर निकाला गया और भारत सरकार ने मालदीव देश को विद्रोहियों के कब्जे में जाने से बचा लिया। वो 1988 का साल था। भारतीय सेना की उस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है, इंटरनेट पे मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। गयूम इसके बाद 20 साल तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। गयूम और उनके बाद के हर राष्ट्रपति ने हमेशा इस बात को याद रखा कि सिर्फ भारतीय आर्मी की, हमारी सेना की मदद की वजह से ही उनका देश बचा रहा। और ऐसा नहीं कि आज मालदीव में ये बात लोग नहीं समझते या नहीं मानते। अगर मालदीव के कुछ नेताओं की बेवकूफियों को साइड कर दिया जाए तो आज वहां के बहुत सारे सांसद, वहां का मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग भी इस बात को मानता है और समझता है कि मालदीव के लिए भारत के क्या मायने हैं। That India is has always been the first responders for whenever we are in need. We've been dependent on India for economic relations, social relations, health, education, trade, tourism, etc., etc. And the Maldivian people are very grateful for this and very aware of this. दोस्तों, एक बात मैं अपने वीडियोस में कई बार दोहराता हूँ और आज फिर से दोहराना पड़ रहा है कि उस देश या उस कौम से ज़्यादा बदनसीब और कोई हो ही नहीं सकता जिसे ये पता ही नहीं है कि उसका अतीत क्या है, उसकी जड़ें कहाँ हैं और उसका रिश्ता किससे। जब बांग्लादेश के कुछ क्रिकेट फैंस भारत की वर्ल्ड कप हार पर बांग्ला भाषा में भारत को गाली देते हैं तो हमें उन्हें उनकी पहचान बतानी पड़ती है। पाकिस्तान के लोग अपनी भारतीय पहचान को झुटलाकर जब दिन रात भारत को गाली देते हैं और खुद को अरब मानते हैं तो हमें उन्हें उनका अतीत बताना पड़ता है। और मालदीव के कुछ कट्टर इस्लामिक नेता जो आज भारत को गाली दे रहे हैं तो हमें भी उन्हें बताना पड़ रहा है फिर से कि भैया अपना थोड़ा सा अतीत जान लो कि कहां से बचे हो, किसने बचाया है। मालदीव का 1000 सालों का बौद्ध इतिहास और उससे पहले का हिंदू इतिहास छोड़िए, भैया मालदीव शब्द तो खुद संस्कृत भाषा के माला और द्वीप से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है द्वीपों की माला, यानी गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स।
और ये मैं या कोई और भारतीय नहीं बल्कि कोलबी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है जॉन हॉगनडॉन ने कहा है कि मालदीव शब्द संस्कृत के मालाद्वीप शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स और वैदिक समय से इसका यही नाम है। और छोड़िए मालदीव के लोगों को दीवेहीन कहा जाता है जो कि द्वीप या दीप से बना है और ये दीप भी संस्कृत के द्वीप से निकला है। और एक आखिरी सच, 17वीं शताब्दी में छपी किताब अल्लामा शिहाब अल दीन के मुताबिक मालदीव क्षेत्र में आकर बसने वाले लोग पहले भारत के कालीबंगा से थे और बहुत से इतिहासकार भी ये मानते हैं कि मालदीव में बसने वाला पहला शख्स भारत के गुजरात से था। तो भाई लोगों ये है मालदीव की असली पहचान जिसका नाम भी भारतीय भाषा से निकला है, जिसके पूर्वज भी भारतीय थे, जिसका हजारों सालों का अतीत भी बौद्ध और हिंदू धर्म का रहा है। इस मालदीव के कुछ नासमझ लोग अपनी अज्ञानता और कट्टर सोच की वजह से इस हजारों सालों के संबंध और पहचान को कलंकित कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा ये समस्या सिर्फ मालदीव की नहीं है, यही प्रॉब्लम बांग्लादेश की भी है, पाकिस्तान की भी है। एक तरफ दुनिया आज भारतीय संस्कृति और परंपरा की दीवानी हो रही है और जो लोग सच में इस परंपरा से आते हैं वो ही अपनी अज्ञानता और मजहबी कट्टरता की वजह से इसके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। और जैसा कि कहते हैं कोई भी इंसान तब तक ये तय नहीं कर सकता कि उसे जाना कहाँ है जब तक उसे ये ना पता हो कि वो आया कहाँ से। शायद इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं। और हाँ एक आखिरी बात, जिस मालदीव और लक्षद्वीप की आज तुलना हो रही है उस लक्षद्वीप का नाम भी संस्कृत के लक्षा और द्वीप शब्द से बना है जिसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड। मतलब मालदीव और लक्षद्वीप भले अलग अलग हो मगर दोनों के नाम का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट पर बनाई हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, जरूर शेयर करिएगा, आपका हर एक शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा। और हाँ अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हम लगातार आप तक अपनी स्पेशल स्टोरीज पहुंचाते रहेंगे। अयोध्या या किसी भी विषय पर अगर आप कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। वीडियो खत्म हो गया, रौनक भाई ने काफी जो है डाटा कलेक्ट कर रखा था और हिस्ट्री भी बताई कि ये मालदीव कहाँ से निकला। अब भाई साहब सवाल तो यहाँ पे यही पैदा हो जाता है कि ये जो मोहम्मद मईजो जीता है, इलेक्शन जीता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो मालदीव के पब्लिक थी उसमें हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत भर के जीता है और वो नफरत उनके दिल में थी और फिर वो उन्होंने तो ये रीजन क्या हो सकती भाई हमें इतना डिटेल में पता नहीं, लेकिन वो नफरत की वजह से जीता भी है। जब वो सत्ता में आया नहीं था तो उसने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए थे जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं इंडिया का बायकॉट करूंगा और लोगों के दिल में नफरत। कल भी एक वीडियो देखी थी प्रशांत धवन की जिसमें वो मोदी साहब के दिखा रहे थे वो पुतले बना के वो किस तरह जो बर्डन के पुतले मोदी साहब के पुतले तो वो हो रहा था भाई साहब इंडिया में कहा जाता है कि हम आजाद के पीओ के बोलते हैं हम पीओ के लेने जा रहे हैं आजाद तो ये वो चूर्ण देते हैं इंडिया इलेक्शन के वक्त ही पहले तो कभी नहीं होता। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर की आवाज का चूर्ण दिया जाता है इसी तरह उन्होंने भी चूर्ण दिया वो जीत गए। असल वजह तारक साहब ये है मुझे ये बताया इंडिया को क्या फर्क पड़ा मालदीव के बायकॉट करने से, मालदीव को नुकसान है ना क्यों इंडिया को नुकसान क्यों कहाँ रहते हो इंडिया को नुकसान क्या हुआ है मेन मकसद ही राज करना है समुंदर पर और चाइना के रोग दबदबे को हटाना है कम करना ये मकसद है इंडिया का मेन सबसे पहला पहला तो इसके बीच उत्पादक कौन है चाइना। तो आप क्या नहीं जानते कि ये जो मुजो साहब है नहीं तू कह रहा है ना कि इंडिया का नुकसान क्या हो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ चारों ओर से घिर नहीं रहा है इंडिया घिर चुका है तो वही बात है। अब अफगानिस्तान श्रीलंका नेपाल ये जितने भी कंट्रीज आस पास के हैं यकीन माने इसमें चाइना का होल्ड हो चुका है तो फिर किसी बात का इंडिया को खतरा इंडिया को इस बात का खतरा है जिसकी वजह से ये बायकॉट बोलना पड़ा है कि ये चाइना इधर भी अगर आ गया समंदर पे गहरी नजर हो जाएगी। ये बात असल मेन है इंडियन तो कहते हैं ना कुछ वजीर गुजरा बोले कुछ मिनिस्टर बोले ये किया भाई उनकी अपनी मर्जी है उनकी भी अपनी मर्जी आपने उसकी बुरे वक्त में मदद की अच्छी बात है
आपने खाना पीना स्कूटी हर कुछ दिया डॉक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी वजह रही है जिससे भाई साहब वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। जा रहे हैं, अपना कोई नुकसान नहीं करता, अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। इंडिया ने इंसानियत की मदद की रही है, इंडिया ने इंसानियत की मदद की है, मानते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मर्जी, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है या नहीं मारी ये तो मालदीव के जो चौधरी बने उनको ही पता है जी। असल तो उनकी ही सोच में ना, जो क्यों चाइना जो तरक्की गए यकूब, अब दुनिया इंडिया को ये जरा एक हर बंदे की हर कंट्री की अपनी फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल वो फ्यूचर को देख रहे हैं कि हमें किस तरफ से ज्यादा फायदा है। ये देख चाइना जो है, हर कंट्री चाइना को पूरी दुनिया में किसी ने कबूल नहीं किया था। सबसे पहले किसने कबूल किया था? पाकिस्तान ने किया था। उस वक्त पाकिस्तान ने खाने के लिए चावल दिए थे इनको, कमजोर था ना उस वक्त पूरी दुनिया में, तो वो देख रहा मदद की थी ना। आज चाइना हमारा कितना साथ दे रहा है। अच्छा भाई, खिलाफों की तरह है कि नहीं? ये जो तीन लोग हैं, ये जो मिनिस्टर थे, इन्होंने भाई वहाँ पे ट्वीट किए हैं, गलत ट्वीट किए हैं, मोदी साहब को जोकर बोला और भी हिंदुस्तानियों से बदबू आती इस तरह के, गलत लोग बोले हैं, तो इन लोगों ने बिल्कुल भाई गलत किया। इस तरह नहीं होना चाहिए, एक बंदा सरकारी हो, बिल्कुल ये लोग से बोलने वो बदबू वाले या मुद्दे के बारे में गलत है, लेकिन उनकी अपनी जो उसकी वजह का पता नहीं हमें, लेकिन ये कि बिल्कुल ऐसे तल्लुकात भी खत्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका पड़ोसी कंट्री है, किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है। तू देख रहे, मैं बताता हूं, इमरान खान साहब ने तजारत खत्म की इंडिया के साथ, हमें जरूरत है कि नहीं इंडिया है ना है। वो इमरान खान साहब का गलत फैसला था, बेशक मैं उसको अपने दिलो जान से मानता हूँ लीडर, लेकिन उसका गलत फैसला था। सही बात है। आज मुझे साहब ने भी वही किया, तजारत करो आप इंडिया तो कर रहे नहीं चाइना के साथ, इतनी मुखालत के बावजूद आप चाइना जाओ, तुर्की जाओ, रशिया जाओ, जिधर भी जाओ, लेकिन इनके साथ नहीं खराब कर भाई। पहले नंबर तो भाई के वहाँ पे तजारत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मुद्दा है टूरिस्ट का, चाइना रहेगा या इंडिया रहेगा। वहाँ पे भाई साहब उन्होंने अपना दबदबा बनाना है चाइना ने, उन्होंने वहाँ पर भी इन्वेस्ट किए भाई साहब, उन्होंने भी तो ब्रिज बनाए है, एक दो बिलियन लगाए हुए, चाइना ने भी ब्रिज बनाए है वहाँ पर, बहुत सारी उसने भी प्रोजेक्ट किए। नो डाउट भाई साहब, इंडिया ने पास्ट में बहुत हेल्प की है, अफगानिस्तान की थोड़ी की इंडिया ने, नहीं नहीं सारी वो की है ना, हर मुश्किल घड़ी में इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की बेलॉस, लेकिन आज भी वहाँ पे चाइना छा गए। ऐसा ही है चाइना भाई, और इस टोटल वार में इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसमें भाई साहब आम जनता का होगा मेन, हो सकता है कि उनका लॉस और उनकी इकोनॉमी को झटका लग सकता है, लगा है जब एक तो टोटल में इस टोटल में मुस्कुरा बैठ के कौन रहा है? चाइना अकेला, क्योंकि इंडिया और मालदीव के रिलेशन खराब होने से लॉस होगा तो मालदीव का होगा, लेकिन टोटल फायदा चाइना उठा रहा है इसे। सही बात, वो वहाँ पर आके धरना दे के बैठ जाएगा भाई साहब, उनको डेड ड्राइव में फंसाएगा, तो खतरा बनेगा, हाँ खतरा बनेगा भाई। तो ये चीज है, बाकी भाई जरूर बताइएगा कि ये नफरत की मेन रीजन क्या है। अब मेन मुद्दा था, मैंने तो पता भी ये लव मुक्ति के बारे में पूरे क्यों बोले गए, या इंडिया को बदबू वाला लफ्ज क्यों बोला गया, क्या क्यों ये हुआ, क्या पेश है? या तो भाई हर दफा तो एक इंडिया ने, मोदी साहब के दौर में भी इंडिया ने हेल्प की है, वहाँ पे अपने डॉक्टर भेज रखे थे, अपनी एयरफोर्स भेज रखी थी, सिक्योरिटी दे रखी थी कि वहाँ पे अगर समंदर में कोई डूबता है तो उसको भी वो बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, बहुत सारी कई दफा वो बचा भी चुके हैं। तो इसके बावजूद भी हालांकि इंडिया का खर्चा ही हो रहा था वहाँ पे, बहुत ज्यादा कोई एक दबदबा था वहाँ पे इंडिया का, खर्चा भी इंडिया ही कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव क्यों पीछे हटा, उसकी रीजन क्या है जरूर बताएगा। ये तो या कट्टरपंथी हो सकती है, ये चाइना की चाल ही है भाई, या चाइना देख लो पहले अफगानिस्तान, फिर चाइना, सॉरी श्रीलंका, अफगानिस्तान, आप मालदीव इनको कंट्रोल कर गया ना, इंडिया को इससे समुद्री नुकसान है कि नहीं है? बिल्कुल, बस ये चाइना का मकसद ही ये था, इंडिया को थोड़ी सी हम चोट पहुंचाए, वो उन्होंने पहुंचाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मिलते रहे उड़ी साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।